वेलकम बैक गाइस, अगेन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल एंड इजी सेंटेंसेस एज यूज इन अवर डेली लाइफ। सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। सो सी द फर्स्ट एग्जांपल, ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मेनी ईयर हैव यू टर्न, कितने साल के हो चुके हो, इस तरीके से ही बोल सकते हो आप। बट एक अच्छा तरीका यही है कि हाउ ओल्ड आर यू, एक सड़ा पूछा तरीका यही है। अगर आप अच्छी अपनी कमांड लाना चाहते हैं तो डिफरेंट तरीके से आप बोलना सीखें। मैंने नहीं कहता कि बस एक ही सेंटेंस रट कर या फिर समझ कर बैठ जाएं, बट यार ये तो होता ही रहता है कि एक चीज़ को हम कैसे डबल तरीके से बोल सकते हैं, वो तो हर एक बंदे की क्वालिटी होनी चाहिए। आई थिंक मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, इस तरीके से ही बोल सकते हो। ए एंड द का यूज़ मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा आपको, अगर आप चाहते हो सीखना है तो सर्च कर सकते हो आप। एंड नेक्स्ट देखते हैं, मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम सो सैड, इस तरीके से बोल सकते हो। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड, इस तरीके से तो बोल ही सकते हो। मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी, या फिर मैक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो मैड होती है, दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो आप। बट यार एक अच्छा तरीका यही है कि आई मेड यू हैप्पी, एक फॉर्मल भी है, एक अच्छा भी लगता है बोलने में। अब मुझे चलना चाहिए, आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे जाना ही चाहिए। मस्ट का यूज़ अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मस्ट का मतलब ऐसा होना ही चाहिए, अर्जेंटली मस्ट मतलब मस्ट, आज्ञा का पालन होना ही चाहिए, मस्ट। यू मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट बिफोर दी लास्ट डेट, आपको लास्ट डेट से डॉक्यूमेंट है वो मस्ट सबमिट करनी ही चाहिए, मस्ट है मतलब चीज़। अगर हाँ अब मुझे चलना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जाना ही चाहिए, आप रुक भी सकते हो, तो आप बोल सकते हो आई शुड लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, इस तरीके से ही बोल सकते हो। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस हैं, जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग या नॉट डिस्कसिंग द ग्रामर रूल्स। ओके, सो मैं बहुत खर्च करता हूँ, तो आई स्पेंड अ लॉट, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोल सकते हो आप इसे। व्हाट आई शेड दैट एक्स्ट्रावेगेंट आप सर्च कर सकते हो, जो कि फिजूल का खर्च होता है। मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अ लॉट, अगर नहीं बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो आई एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब मैं बहुत खर्च करता हूँ, फिजूल खर्च करता हूँ। कैसे शाम आ रहा है, अब ये इवनिंग वाली शाम नहीं है, वरना कुछ लोग शाम बोलते हैं, कुछ लोग शाम बोलते हैं, यार हो जाता है कभी, इस शाम आ रहा है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। क्या आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे, आज सोमवार है, ऐसे ही बोल सकते हो आप, इट इज़ मंडे टुडे, क्या आज सोमवार है, ऐसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो आप ये टुडे और टुमारो वाला। तो ये पेन है या फिर कुछ और है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तू आदमी या कुछ और है, इस तरीके से बोलते हैं ना, इट इज़ अ पेन और व्हाट, या फिर आप बोल सकते हो आदमी है जानवर है, तो ऐसे मतलब कई टाइप से हम बोल देते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि हम इंसान के लिए बोलें, ये क्लास है कुछ और है, इस तरीके से ही बोल सकते हैं हम, इट इज़ अ क्लास और व्हाट, ये क्लास है कुछ और है, भाई समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ अ क्लास और व्हाट, इट इज़ अ स्कूल और व्हाट, इस तरीके से स्कूल है या क्या कबाड़ा, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं यार आप। ये पेंट है या फॉर व्हाट, इट इज़ अ पेंट और व्हाट। तो नेक्स्ट है, क्या मैं ही हूँ, इज़ दैट रियली मी, क्या वह बोई है, इज़ दैट रियली ही, तो या इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। 2 मिनट लगे थे, इट हैड टेकन टू मिनट्स, या टुक भी बोल सकते हो आप, जैसे 2 मिनट लगे, इट टुक टू मिनट, तो बोल सकते हो आप, दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। वैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो एक टिप है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली फ्लुएंट होना चाहते हो टू स्पोकन इंग्लिश, अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हो इंग्लिश में, तो यार कभी कभी ग्रामर रूल्स को ना स्किप किया कर दो। मैं तो ये बहुत करता हूँ, जब स्पोकन इंग्लिश से उतर आता हूँ, जब
और व्हेन आई टॉक टू समवन, मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ ग्रामर से, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ती ग्रामर का, तो ऐसा होता है। और एक्चुअली में सेलिब्रिटी होती है वो भी कभी कभी ग्रामर को छोड़ देते हैं जब वो स्पीकिंग करते हैं कहीं पर, तो ऐसा होता है। अगर देखो यार, एक ग्रामर किस लिए बनाई गई है? रूल्स के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए बनाई गई ग्रामर, ना कि आपको स्पीकिंग करते समय या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग देते समय वहाँ पर ग्रामर के रूल को हैड की जगह और हैज़ और हैव की जगह ये सब यूज़ करना है, नहीं, वहाँ पर समझना चाहिए बंदे को, समझ में आना चाहिए। और बस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज ओले पढ़ने थे, इट हैड टू हेल टूडे, हेल को ओले बोलते हैं, ओले बोलते हैं भाई, जस्ट स्लिप माई टंग, ओके। इट हैड टू हेल टूडे, अब हैड टू हेल है ना, दैट्स वाई आई स्लिपिंग, ओके। इट हैड टू हेल टूडे। तो कभी कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो वापस आप प्रैक्टिस भी कर लिए और आपको मतलब बता दिए हेल का क्या मतलब होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इट विल टेक टू मिनट। इट विल को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इट विल टेक टू मिनट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, आज बड़े ईजी सेंटेंसेज हैं ये, बहुत टफ सेंटेंसेज की प्ले लिस्ट है वो भी आएगी, बट अभी तो हम ईजी वाले यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है इस तरीके से बोले, इट्स वेरी हॉट टुडे। मैं भी साथ चलूँ, मैं आई अकंपनी विथ यू, अब अकंपनी का मतलब होता है साथ चलना, मैं आई अकंपनी विथ यू, या फिर बोल सकते हैं कि मैं साथ जाऊँगा। आई ऑल्सो अकंपनी विथ यू। तो इस तरीके से अकंपनी का मतलब होता है साथ, एक्चुअल में जो वर्ड है अकंपनी उसे आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर साथ चलने को तो फिर बोलते ही हो मैं आई कम विद यू, इस तरीके से ही बोल सकते हो आप, बट एक अकंपनी विद यू या यू तो एक अच्छा वर्ड है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपने कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स। अब पुट ऑन, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है बियर, टू बियर समथिंग, कुछ भी चीज़ पहनना। पुट ऑन एक फेज है, इसका मतलब होता है टू बियर। पुट ऑन योर क्लोथ, अपने कपड़े पहन लो। एंड नेक्स्ट देखते हैं यार, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। पुट कर दो क्लोथ को कहाँ, किस लिए, क्लोथ को पुट करना है मतलब टांगना है, ड्रैग बोलते हैं वैसे तो, बट पुट भी चल जाता है, अच्छा है। कपड़े सुखा दो, अब कहाँ सुखाएंगे, कपड़े टांग कर ही सुखाएंगे। पुट द क्लोथ टू ड्राई, कहाँ, सूखने को, ड्राई का मतलब होता है सुखाना। राम वहाँ पर नहीं था, राम वॉजंट देयर। अब ये मैं यहाँ पर रूल्स नहीं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस बता देता हूँ यहाँ पर कि ये पास्ट के अपने जो कंटिन्यूज होता है उसका सेंटेंस है, और राम वॉज नॉट, अब वॉज नॉट, वॉज वर्ब वहीं पर आती है और नॉट लगा दिया है क्योंकि नेगेटिव है ये, राम वॉजंट देयर, राम वहाँ नहीं था, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, टीवी देखना बंद करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड डू समथिंग, स्टॉप टीवी देखना बंद करो और कुछ करो, स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड डू समथिंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो यार, यूज़ कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी जो टंग पे है, टंग है उस पर जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो आते रहते हैं। इंग्लिश देखो यार, एक लाइन तो सुनी होगी आपने, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो प्रैक्टिस होती है ना वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देती है, वरना आता सब कुछ है इंसान को लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं कहला पाता, एक अच्छा उस फील्ड का बंदा नहीं कहला पाता वो अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की है। तो एक हर एक चीज़ में ये चीज़ लागू होती है, हर एक चीज़ में, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में, हर एक चीज़ में। ये कमीज मैली है, ठीक है, देखते हैं। दिस शर्ट इज़ डर्टी, मैली है मतलब डर्टी, गंदी है, दिस शर्ट इज़ डर्टी। अब शर्ट को शर्ट ही बोलते हैं वैसे तो, पता नहीं इतनी शुद्ध हिंदी पता नहीं कैसे हाथ अपने हाथों से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, बट उनके लिए है जो कि शर्ट और शर्ट को अगर कोई कमीज बोल दे तो बोलते हैं कमीज क्या होती है, दैट्स वाई यार लिख देता हूँ कभी कभी, ओके। तो समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल यही लिखा है मैंने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ओके। सो बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड प्लीज़। तो बाहर इंतजार करो, इस तरीके से आप बोल सकते थे, हमें भेजा जाना है, वी हैव टू बी सेंट, हमें भेजा जाना है। अब
जाना है होता है। इस तरीके से हम अगर कोई भी आता है तो हम यूज़ करते हैं हैव टू बी का यूज़ करते हैं, नॉट हैव टू बी का, वी हैव टू बी सेंट, हमें भेजा जाना है। अब हमें भेजा जाना है तो बस तुम्हें भेजा कहीं नहीं जाना, बट यार भेज दूंगा अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भेज ही दूंगा। मतलब लाइक और सब्सक्राइब ये तो मेरा हक बनता है, 10 मिनट से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और इतना तो हक बनता है मेरा। आई हैव ड्यू, मेरे पास हक है कि करो और करो करो सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन।